नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव निवासी स्वर्गीय जीवन सिंह के पुत्र आर्मी जवान नायक राहुल सिंह उत्तराखंड में राहत कार्य के लिए जोशी मठ जाने के दौरान 4 फरवरी को हिमस्खलन के कारण शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ मुंगेर पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को विदाई देते हुए पार्थिव शरीर का मंगलवार को सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट पर लाया गया। वहीं इस दौरान शहीद राहुल सिंह के दर्शन के लिए सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार के अलावा काफी संख्या में लोग पहुंचे और शहीद जवान को नमन करते हुए पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इधर अंतिम संस्कार से पूर्व शहीद राहुल को दानापुर आर्मी कैंट से पहुंचे जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी। वहीं सुल्तानगंज शमशान घाट पर शहीद जवान को उनके छोटे भाई रोहित ने मुखाग्नि दी, जबकि इस दौरान गंगा घाट पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के हाथों में तिरंगा दिखा और सभी ने शहीद के सम्मान में राहुल भैया अमर रहे जैसे कई नारे भी लगाए। बता दें कि मुंगेर जिला अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी स्वर्गीय जीवन सिंह के पुत्र 34 वर्षीय राहुल कुमार शनिवार की देर शाम उत्तराखंड में दुश्मनों से लड़ते हुए भूस्खलन में शहीद हो गए थे। शहीद जवान की शादी साल 2018 में बांका के शंभुगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चटमाडी में हुई थी, जबकि वे अपने पीछे पत्नी के साथ एक 3 वर्षीय पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पता लगा कि ड्यूटी पर अनकॉन्शियस पाया गया सर, कहीं बाहर थे और हमें यहाँ का लोकल होने की वजह से हमें उनके साथ ले जाया गया कि यहाँ की जो कार्रवाई है इसमें उनकी मदद हो। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस की ओर से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दरअसल भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बाईपास के समीप पुलिस ने 2 बदमाशों को देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर SSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। SSP ने बताया कि आए दिन बाईपास पर आपराधिक गतिविधि की खबर आती रहती थी और बदमाश बड़ी सफाई से घटनाओं को अंजाम देने में सफल भी हो जाते थे। वहीं इसको देखते हुए उनके निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर अभियान चलाया गया, जिसके बाद रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में भूकन यादव का पुत्र मंजय कुमार, अजय यादव का पुत्र रोहित यादव, इंदर रजक का पुत्र चिंटू कुमार और जागेश्वर सिंह का पुत्र बांके सिंह और बंटी सिंह शामिल है। SSP ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने सभी अपराधियों के पास से 4 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल समेत 4 अन्य मोबाइल भी बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चारों आरोपी पहले भी लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। वहीं इसके अलावा SSP ने तिलकामांझी हटिया रोड स्थित सोने चांदी की दुकान में हुई चोरी मामले का भी उद्भेदन कर दिया। SSP ने बताया कि स्वर्ण आभूषण दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद नजरूल और मोहम्मद जमील शामिल है। 48 घंटे के भीतर कई जगहों से 6-7 दुकानों से CCTV फुटेज निकाला और बहुत सारे विषयों पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया। इसमें संबंधित अपराधियों की पहचान की गई और 48 घंटे के भीतर जो कुल 65 पीस जो जेवरात थे उसकी बरामदगी की गई। इसमें सम्मिलित कुल सभी 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें करीब 27 पीस जो चोरी करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के औजार इस्तेमाल होते हैं उसकी बरामदगी की गई है। इस प्रकार एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। वो 4 इसमें से एक्यूज हैं, ये मोहम्मद इसराइल हैं जिसके ऊपर डकैती का केस है और मोहम्मद गुलाम बबुआ जिसके ऊपर करीब 2 दर्जन के लगभग केस है, डकैती का भी केस है और चोरी के बहुत सारे मामले इस पर दर्ज हैं, कई बार ये जेल जा चुका है। वैसे तो देश में पिछले 8 वर्षों से चाय वाले की चर्चा खूब सुनी जा रही है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चाय वाले की कहानी बताने जा रहे हैं जो भागलपुर के हैं और इनकी कहानी सबसे हट के है। भागलपुर तिलकामांझी में करोड़पति चाय वाला के नाम से एक दुकान है,
जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ग्रेजुएट होने के बाद ही बेरोजगारी से परेशान दीपक ने अपने जीवन यापन के लिए चाय की दुकान खोली और लोगों के बीच चर्चा में आने के लिए इन्होंने इसका नाम करोड़पति चाय वाला रखा है और यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटने लगी है। हालांकि एक और जहां दीपक ने बेरोजगार लोगों को अपनी इस पहल से जीवन यापन के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर ग्रेजुएट और शिक्षित बेरोजगार को सरकारी नौकरी के अभाव में चाय की दुकान चलाना सरकार पर कई सवाल भी खड़े करता है। ये करोड़पति चाय वाला का नाम कहाँ से आपने सोच के रखा? एक दो साल पहले से सोच के रखा था, प्लानिंग, ये हमारा विजन है सर, करोड़पति। अच्छा, करोड़पति बनना है आपको? बनना, ड्रीम था हमारा कि करोड़पति अपने दम पे बनना है। और चाय बेच के करोड़पति बनना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। चाय ही बेचने का ख्याल कहाँ से आया? ख्याल क्योंकि चाय नॉर्मली घरों में यूज करते हैं और दो साल बैंगलोर में रहे तो वहाँ पर चाय भी बनाया, लोगों चाय बना के लोगों को पिलाया, इतना पता था, लेकिन करना क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में फैमिली का प्रेशर हुआ या शादी करने का, सोचा कि इधर ही सेटल होना है। मुंगेर संग्रामपुर के रामपुर गांव निवासी शहीद जवान राहुल कुमार सिंह की शहादत से जहां उनके गांव और बिहार समेत देश भर में लोगों द्वारा उन्हें नमन कर राहुल एवं उनके घर वालों के प्रति संवेदना प्रकट की जा रही है, वहीं ऐसे मौके पर बिहार सरकार के जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री द्वारा शहीद के परिजनों से बिना मिले ही इस रास्ते से निकल जाना मंत्री जी की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। बता दें कि बीते 4 फरवरी को उत्तराखंड में आपदा राहत बचाव के लिए जोशीमठ जाने के क्रम में भूस्खलन से राहुल सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद सोमवार की देर रात राहुल का पार्थिव शरीर को सेना के विशेष विमान से पटना लाया गया और पटना से एम्बुलेंस के माध्यम से मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे राहुल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रामपुर पहुंचा, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां परिजनों के साथ उनके चाहने वाले के अलावा आम और खास लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा अपने काफिले के साथ गुजरी, लेकिन मंत्री जी ने शहीद राहुल सिंह के परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट कर हिम्मत बढ़ाना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं इसको लेकर लोगों ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि जिन सैनिकों की बदौलत पूरा भारत देश सोता है, वैसे वीर जवानों के शहीद होने के बाद बिहार सरकार के मंत्री का उनके घर की ओर से बिना परिजनों से मिले निकल जाना सही नहीं है। ये साफ दिखता है कि हमारे यहाँ सेना का जो सम्मान सब जगह मिलते हम देखते हैं, ये बिहार सरकार का आखिर में ऐसा क्या निर्देशन है कि थोड़ा सा भी वक्त सेना के लिए अपना जो प्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए, जो उपस्थिति अधिकारियों की होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आया, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा तो हम लोग इस पर कुछ राजनीति बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यही है कि आखिर में ये उपस्थिति नगण्य मात्र हम देखे कि कुछ अपना जो प्रखंड के कुछ अधिकारी थे मात्र उनकी उपस्थिति नज़र आई। सबसे पहले शहीदों को हमारे तरफ से शत शत नमन है और हमारे प्रखंड के जो नायक राहुल कुमार हैं उनको खोने का गम तो है ही, साथ साथ हमें यह भी गर्व है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जो बलिदानी दी है उस बलिदान को हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं। उनके इस यादगार को हम लोग जिंदा रखने के लिए, यादगार को बनाए रखने के लिए हम लोग हजारों की संख्या में युवा, ऐसा व्यक्ति नहीं घर में रुका होगा जो कि रामपुर तक नहीं पहुंचा होगा। रामपुर में भीड़ उमड़ रहा था और जिस समय मैं यहां पहुंचा उस समय लगा कि इतना भीड़ देखने को कि सिर्फ उनको देखने के लिए कि इस देश के लिए ये शहीद हुए हैं, देश का ये लाल है और ये बहुत कम उम्र में अपने छोटे बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर ये देश के लिए चले गए। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बीबी थापा है, मैं BMP1 में जब नौकरी करता हूँ और मैं ये डायबिटीज बीमारी से 1 साल से बहुत परेशान था, तो मैंने पेपर में देखा, पेपर में सुना डायबिटीज का इलाज होता है, तो हम यहाँ पर आए तो मेरा उससे पहले 300 से ऊपर था, तो यहाँ आकर के डॉक्टर इसे इलाज कराए तो 1 हफ्ता के बाद में मेरा बीपी घट करके 120 में आ गया, तो अभी बहुत उस समय में हमको बहुत मतलब तकलीफ होता था, महसूस होता था शरीर में, मतलब सुस्तपन चक्कर जैसा लगता था, लेकिन अभी ये दवाई खाने के बाद हमको बहुत शरीर में ताकत आ रहा है, मतलब फुर्ती भी आ रहा है, ताकत आ रहा है, कोई बीमारी जैसे नहीं है,
तो अभी हमको एकदम बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, इसीलिए हमको ये दवा से हमको मतलब कि बिल्कुल एकदम हमको शरीर में एकदम स्वस्थ महसूस हो रहा है और बीपी मेरा कंट्रोल, अब मेरा शुगर भी कंट्रोल में है और मेरा बीपी भी एकदम अभी फिलहाल कंट्रोल में है। जगदीशपुर प्रखंड परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 13 फरवरी को संभावित आगमन को लेकर प्रखंड परिसर में मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से समाधान विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के संबंधित कार्यों के निपटारा के लिए अलग अलग काउंटर लगाकर लोगों की शिकायत सुनी गई और उसका समाधान भी किया गया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, कृषि विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की समस्या एवं राशन कार्ड सहित कई योजनाओं से संबंधित काउंटर लगाया गया। राशन कार्ड के काउंटर पर सरकारी के अलावे जन वितरण प्रणाली के कुछ डीलर भी राशन कार्ड का फॉर्म लेते हुए दिखे, जबकि कुछ डीलर राशन कार्ड का फॉर्म जमा लेते भी दिखाई दिए। बता दें कि अन्य काउंटर की तुलना में राशन कार्ड के टेबल पर सबसे अधिक लोगों की भीड़ जुटी रही। मौके पर दंडाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी, मनरेगा के पीओ सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर नाथनगर मोमिन टोला के जाने माने हस्ती समाज के प्रति शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए हर वक्त जान निछावर करने वाले और एक समाचार पत्र के संपादक जनाब अनीसुर रहमान कासमी का निधन हो गया है। वहीं ये खबर फैलते ही इनके जानने वालों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। इधर अनीसुर रहमान कासमी के निधन के बाद जहाँ लोगों ने इनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, वहीं इसके बाद जामा मस्जिद नाथनगर में नमाज अदा की गई, जबकि इनके जनाजे की नमाज के बाद इन्हें कौवाकोली स्थान में इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज एक ऐसे शख्सियत का इंतकाल हुआ है जो शहर के नामचीन शख्सियत थे और इस भागलपुर शहर को इसको जाने से बहुत क्षति हुई है भागलपुर लोगों को। ये शख्सियत जो 1931 में इसका जन्म हुआ और हर जमाने में ये दौर भर हर वक्त 1989 में भी उस वक्त जब यह है ये हिंदू मुस्लिम सबको जो है एक सूत्र में बांध कर लेके चलने वाले थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।